13 अप्रैल 1919 वाले दिन जनरल डायर ने जलियांवाले बाग च अपनी फौज सने दाखिल होकर मासूम लोगों ते अन्ने वाह गोलियां चला दित्तियां सी। जलसे च शांतमई ढंग नाल शामिल होना है बच्चियां बुढ़िया औरतां ते नौजवानों नूं खबर नहीं सी कि जनरल डायर बिना किसी चेतावनी ते उन्हां ते गोलियां चलाउण दे हुक्म दे देवेगा। बहुत सारे लोग गोलियां दे शिकार होए ते बहुत लोग शहीदी खूह च जिंदा दफन हो गए। लंबे समय बाद जलियांवाला बाग दे शहीदां नूं शहादत दा दर्जा तां मिल गया पर उन्हां दी इह पछाण अंग्रेजी फाइलां च ही दफन रह गई, जिन्हां नूं हुण डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तों कढ के यादगारी पत्थर ते उकेरिया गया है, जिस उत्ते शहीदां दे चेहरे बने हुए ने ते थले उन्हां दे नाम लिखे ने। इन्हां नावां तों पता लगदा है कि हिंदू मुस्लिम सिख सारे धर्मां दे लोक अंग्रेजां दीआं गोलियां दे शिकार होए सी। जलियांवाला बाग च दाखल होण तों ठीक पहला इह यादगार लोकां नूं नजर आउंदी है, जिहदे च इलैक्ट्रिक जोत भी लाई जाएगी अते इहनूं स्टील दीआं पाइपां दे घेरे च रख्या जाएगा ताँ कि कोई इहनूं छू ना सके। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता भी आते हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि वो शहीद कौन थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। मगर अब जलियांवाले बाग के बाहर एक बड़ा स्टैचू बना दिया गया है, वहाँ पे सभी शहीदों के नाम लिखे गए हैं ताकि सभी लोगों को पता चल सके भी वो कौन से, उनके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा वहाँ पे। हम लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए अपने देशभक्तों को, लेकिन कई बार हमें उनके नाम नहीं पता होते हैं, लेकिन बाहर स्टैचू लगने की वजह से हमें इस बारे में पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमारे देशभक्त हुए हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए।